आई एम शॉक्ड, टोटली शॉक्ड। मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो दावा करता है कि बॉटल बियर को वो ड्राफ्ट बियर में कन्वर्ट कर सकता है, यानी आप घर बैठे ड्राफ्ट बियर का आनंद ले सकते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे हो सकता है, और वो भी एक पॉकेट साइज गैजेट के साथ। एंड दिस प्रोडक्ट ऑल्सो वर्क्स विद अ वाइन, इट कैन डिकेंटिंग योर वाइन इंस्टेंटली विद इन अ वन मिनट। कमाल है। एंड दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड सेलस्ट्रक बियर डिस्पेंसर एंड वाइन एरिएटर, और ये ऑनलाइन सेल कर रहा है SaleStruck.com। सो बिफोर अनबॉक्सिंग दिस अमेजिंग प्रोडक्ट, मैं आपको एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, जो है बियर पोरिंग टेक्निक। हम लोग सब पसंद करते हैं ग्लास में बियर पीना, और ये होना भी चाहिए क्योंकि बियर इज कार्बोनेटेड एंड वी हैव टू रिलीज दोस कार्बोनेशन बाय पोरिंग इनटू द ग्लास। हम लोग जब पोर करते हैं तभी जाके वो कार्बोनेशन रिलीज होता है, और हम लोग कोई नहीं चाहता कि फ्रॉस्ट ज़्यादा जनरेट करे, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि फ्रॉस्ट बिल्कुल जनरेट नहीं किया। तो इसमें क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा रह गया अंदर में। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, मान लीजिए कोई खाना ऑर्डर किया आपने, जैसे ही वो खाना स्टमक में हीट करता है तो ऐसा ही सिचुएशन होता है, ठीक ऐसा सिचुएशन होता है। इसको हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए। दो तरीका है, एक तरीका ऊपर से थोड़ा पोर करिए, तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्रॉथ जनरेट करेगा, फोम जनरेट करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम रिलीज हो जाएगा। एक्चुअली जो देखा जाए तो एक बॉटल में पिंट बियर में 2.5 बॉटल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, और जिसको हम लोग को पोरिंग टेक्निक के माध्यम से मैक्सिमम रिलीज करना चाहिए, जो अक्सर हम लोग करते ही नहीं है। और सेकेंड ऑप्शन जो है वह है ये प्रोडक्ट भी फोम जनरेट करता है, और सिर्फ फोम ही नहीं, उसमें बहुत कुछ एड ऑन भी होता है, वही मैं आपको समझाऊंगा। सो फोम जरूरी है बियर का जो कार्बोनेशन है उसको रिलीज करने के लिए, और सेलस्ट्रक का ये बियर डिस्पेंसर बड़ी आराम से ये काम कर सकता है दोस्तों। तो फिर चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं इस इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का। सो दिस इज द प्रोडक्ट, इट्स लुकिंग सुपर। ये रहा मैनुअल जहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है, और ये रहा एक सॉफ्ट वेलवेट का पाउच पैक। ये रहा प्रोडक्ट जो, और अंदर में कुछ नहीं है, ये खाली है बिल्कुल बक्सा। इट्स मेड विथ हाई क्वालिटी एल्युमिनियम अलॉय विच फील लग्जरियस टू इट, वेरी प्रीमियम क्वालिटी। विद अ पाउच पैक यू कैन कैरी आउट एवरीवेयर। अमेजिंग पॉकेट साइज डिजाइन विथ 2AA बैटरी। द बेस्ट पार्ट इज इट्स नॉट इवन अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन एट ऑल। इट्स ऑल्सो कम्स विद द 2 कलर ऑप्शन, मैट ब्लैक एंड रोज गोल्ड। आई पर्सनली लव दैट रोज गोल्ड वन। एंड कंपनी ऑफरिंग यू 6 month हैजल फ्री रिप्लेसमेंट वारंटी, जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे ये। और बाकी अंदर में कुछ भी नहीं है, तो हम इसको पहले साइड करते हैं। और ये 2 पार्ट में आता है, ऊपर टॉप का पार्ट जो है और नीचे का पार्ट। ये नीचे का पार्ट जो है इसको आप यूज़ करने के बाद अच्छे पानी से धो सकते हैं, और उसको ड्राई करके आप फिर इंस्टॉल करते हैं। ऊपर वाला जो पार्ट है ये ऊपर में सिंपली एक केबिन है जहाँ पर आप बैटरी को इंसर्ट कर सकते हैं। मैंने पहले से 2 बैटरी डाल के रखा था, ये 2AAA बैटरी चाहिए। इट्स नॉट इवन अ कॉम्प्लिकेटेड मशीन, बहुत ही सिंपल एक मशीन है, और ये कमाल का काम करता है। ये कंपार्टमेंट को जोड़ने के लिए आपको यहाँ से जोड़ना होगा, और जैसे आप इसको जोड़ेंगे तो ये कम्प्लीटली रेडी है। यहाँ पर है एक ऑफ ऑन स्विच जहाँ पर ऑन करने से ये लाइट जलता है। याद रखिए ये ओनली 20 सेकेंड जलता है, उसके बाद खुद बंद हो जाता है। ये ऑफ ऑन स्विच, नीचे ब्रांडिंग किया हुआ है सेलस्ट्रक का। तो चलिए बॉटल बियर को ड्राफ्ट बियर में कन्वर्ट करके दिखाते हैं। सो हियर वी गो, हम लोग चलेंगे ट्यूबॉक के साथ। मैंने पहले ट्यूबॉक को खोलूंगा, खुल गया। अब मैं मशीन को लगाऊंगा, कैसे ये काम करता है मैं आपको दिखा देता हूं। ये लग गया, दैट्स ऑल। और इंस्ट्रक्शन मैनुअल में लिखा है 70-30 रेशियो, यानी स्विच बंद करके आपको 70% पोर करना है। जैसे यहां पर मशीन जो चल रहा है, मैंने स्विच बंद करके रखा हूं, और मशीन को ऑन पोर कर रहा हूं, मशीन से पोर कर रहा हूं। अभी तक मैंने स्विच को ऑन नहीं किया। यहां पर 70% आपको पहले पोर करना है, और उसके बाद आपको फिर स्विच ऑन करके पोर करना है। तो चलिए मैं देखता हूँ। देखिए एकदम नॉर्मल बियर का फ्लो आ रहा है। अब स्विच का बारी, तो मैं स्विच को ऑन कर देता हूँ। ये अब जैसे ऑन करूँगा तो ये जो लाइट है, ये लाइट आपको दिख रहा है यहाँ से, यानी मशीन स्विच ऑन हो चुका है। तो फिर पोर करना चालू करिए। अब देखिए इसमें कमाल, वाओ, सी द डिफरेंस। जैसे मशीन ऑन हुआ, अब फ्रॉथ वहां से निकल रहा है, और फ्रॉथ का टेक्सचर ध्यान करिए कि बहुत डीप है,
हालांकि स्विच फिर से बंद हो गया क्योंकि 20 सेकंड के बाद बंद हो जाता है, तो फिर आपको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसको ऑन कर दूंगा। अभी फिर से हम लोग पोल करेंगे, वो जो 30:70 है, 70:30 यानी 70 विदाउट स्विचिंग ऑन द मशीन, आफ्टर दैट यू हैव टू स्विच ऑन द मशीन एंड देन यू हैव टू पोल। सी अभी जो फ्रॉथ आ रहा है आप ध्यान करके देखिए, आपका जो फोम जनरेट हो रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग फोम है। मैं पोर कर दूंगा, पूरा ग्लास में भर दूंगा मेरा जितना भी बियर है। सी देखिए कितना डेंस बबल है, वेरी नाइस। अब मैं टेस्ट करूंगा, मैं देखूंगा कि ये टेस्ट कैसा लगता है। फिर एक बार टेस्ट करते हैं। वंडरफुल, इट्स रियली अमेजिंग एंड एज फॉर द टेस्ट कंसर्न ये बहुत क्रीमी एक फील दे रहा है, बहुत क्रिस्प एक फील दे रहा है, और ये जो मॉल्ट और हॉप्स का जो फ्लेवर है वो भी बहुत फाइनली आपका पैलेट में पहुंच रहा है। इट्स अमेजिंग, ये सच में ड्राफ्ट का ही एक्सपीरियंस दे रहा है। और एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं पहले ही स्विच ऑन कर दिया था जहाँ पर से मैंने बियर को पोर किया, तो देखा एक्सट्रीम लेवल पे फ्रॉथ आ रहा है। और ये देखिए, इसको बोलते हैं परफेक्ट नैनो फोम। अगर रेगुलर फोम से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि इसका जो बबल्स है बहुत टैनी है, बहुत छोटा है और बहुत शार्प है। और ये बबल्स एक बहुत बड़ा काम करता है, ये बियर का जितना एरोमास है उसको कवर करके रखता है, उसको एस्केप करने देता नहीं है। यही है एडवांटेज। सी द डिफरेंस, बिल्कुल अलग है, इट्स परफेक्ट नैनो फोम। और ये इस मशीन से ही निकल सकता है। दिस इज हाउ यू कैन गेट द अल्टीमेट ड्राफ्ट बियर एक्सपीरियंस। नाउ आई हैव डन विद अनदर एक्सपेरिमेंट विद किंगफिशर स्ट्रॉन्ग बियर व्हिच इज मोर पॉपुलर इन इंडिया। वैसे 70-30 रेशियो में मैंने किया था, तो ये भी एक कमाल का टेस्ट दिया था। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज इट वर्क्स। सो दिस डिवाइस यूजेस अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी टू एक्टिवेट बियर इंग्रेडिएंट्स सच एज हॉप्स एंड माल्ट्स बाय एक्सेलरेटिंग देयर इंटरनल मॉलिक्यूलर प्रोसेस टू क्रिएट अ रिच aroma and creamy beer flavor, and this is how you get the ultimate draft beer experience. Aur ek blind test, mera cameraman mera aankh mein patti bandh diya aur do alag alag beer de diya. Main aankh band karke choose karunga kaun sa beer SaleStruck se port kiya gaya hai, to pappu pass hota hai ki nahi dekha jaye. Acha, aur ye mujhe to lagta hai ye hoga. दोनों में डिफरेंस क्या है। आप लोग जानते हो कि वाइन डिकेंटिंग इट्स टफेस्ट जॉब, क्योंकि बहुत टाइम लगता है तब तक आपका पार्टी खत्म हो जाएगा, बट दिस मशीन कैन वर्क वंडरफुली। नाउ कोई भी वन लाइक यंग वाइन, हैवी बॉडीड वाइन, हाईली टैनिक वाइन, कोई भी वाइन के साथ ये कमाल का काम कर सकता है। क्या करता है, वंस यू स्विच ऑन द मशीन इट स्टार्ट डिकेंटिंग योर वाइन। और इसमें क्या होता है, आपका जो वाइन का फ्लेवर है उसको वो एनहेंस करता है और इसको मोर वेलबेटी एंड मेलो बना देता है बिल्कुल ही। सो लेट मी टेस्ट एंड या इसका तो फ्लेवर बहुत अच्छा है, इट्स अमेजिंग, रियली अमेजिंग। So go and check in the descriptions. मैंने description में पूरा detail दे चुका हूँ sales ये product को खरीदने के लिए। Hit करिए उस link को और purchase करिए, इसमें आपको special discount मिलेगा behalf of Cocktails India YouTube channel. So ये था आज का एक unboxing. अगर video अच्छा लगा तो please दोस्तों के साथ share भी कर देना, क्योंकि जो लोग beer पसंद करता है वो definitely इसको पसंद करेगा। और subscribe ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारा अनबॉक्सिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहता हूं और आगे भी आएंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।